हेलो फ्रेंड्स, सीमा के किचन में आपका वेलकम है। आज हम बनाने जा रहे हैं आम की खट्टी मीठी चटनी। ये खास तौर से गर्मियों में बनाई जाती है और खाई जाती है, तो चलिए देखते हैं इसे किस तरह से बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम एक पैन या कढ़ाई लेंगे और इसे गर्म कर लेंगे। जैसे ही हमारा पैन गर्म हो जाता है तो हम इसमें 2 चम्मच के करीब तेल ऐड कर लेंगे। मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो अब इसमें हम ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले। यहाँ पे हमने 2 से 3 सूखी लाल मिर्चें ली हैं, 1/2 टीस्पून के करीब हमने कलौंजी लिया है और 1/2 टीस्पून के करीब हमें खड़े जीरे लिए हैं, और इस पैन में हम डाल देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे तब तक जब तक ये अच्छे से क्रैकल ना होने लगे। तो इसे हमें भूनना होगा लगभग 2 से 3 मिनट। दो से तीन मिनट हो चुके हैं तो ये अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी, ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी चीनी का लिया है, इसे भी थोड़ा अच्छे से हम चला लेंगे। चीनी मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी एक चाशनी बना लेंगे। यहाँ पे मेरे जो पानी थोड़ा कम लग रहा है तो हम पानी थोड़ा और ऐड कर लेंगे 1/2 चम्मच के करीब और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए हमने एक गोला गुड़ का लिया है लगभग 200 ग्राम के करीब, तो इसे हम अच्छे से तोड़ लेंगे ताकि ये अच्छे से जल्दी पिघल जाए इसमें, और इसे भी हम चाशनी में ऐड कर लेंगे। ये देखिए मैंने ऐड कर लिया है और इसे अच्छे से चला लेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स होके पिघल जाए और हमारी चाशनी का जो कलर है बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ यहाँ पे हमने 1/2 टीस्पून के करीब नमक ऐड किया है, इससे हमारी चाशनी का जो स्वाद है बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पे देखिए गुड़ अच्छा से मेल्ट हो चुका है और कलर भी इसका अच्छा दिख रहा है और चाशनी भी रेडी हो चुके हैं। तो हम इसमें अब ऐड करेंगे कच्चे आम यानी कि कैरी। तो यहाँ पे 5 से 6 हमने आम लेके इसे पील कर लिया और इस तरह से हमने कट कर लिया है। मेरे आम में गुठलियाँ थी तो मैं गुठलियों के साथ यूज़ कर रही हूँ। साथ ही साथ इसमें हम 2 से 3 टमाटर ऐड करेंगे, तो मैंने टमाटर को इस तरह से कट कर लिया है। टमाटर ऐड करने से इस चटनी का स्वाद जो है बहुत ही अच्छा आता है, तो मैंने इसे ऐड किया हुआ है। आप भी ज़रूर इसमें डालें और एक बार ज़रूर ट्राई करें इस तरह से बनाने की। तो इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है और चाशनी भी हमारी गाढ़ी हो चुकी है, तो ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने चाशनी को सर्व कर लिया है। आई होप कि आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।